हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास सिक्स्थ व्याकरण निधि में आपके चैप्टर नंबर 5 उपसर्ग, जो कि हमने पहले पढ़ा था, आज हम इसके करते हैं अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में सबसे पहला है आपके सही विकल्प पर राइट का निशान लगाइए। यहाँ पे प्रश्न में सही विकल्प दे रखे हैं, इसमें जो विकल्प सही है उस पर आपको राइट का निशान लगाना है। सबसे पहला है क। निराशा शब्द में उपसर्ग व मूल शब्द है। इसमें पूछा है यह जो शब्द है निराशा, इस शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द है। यहाँ पर विकल्प दे रखे हैं, पहला है नी धन आशा, दूसरा है निर्धन आशा, फिर है तीसरा निराधन शा, फिर है चौथा निराश धन आ। तो इसमें सही उत्तर जो आपके होगा निराशा का मूल शब्द, उपसर्ग जो होगा निर और आशा। यहाँ पे सेकंड वाला आपके जो है सही है। उसके बाद में ख। पर नाना शब्द है, पर नाना में उपसर्ग तथा मूल शब्द है। इसमें उपसर्ग और मूल शब्द क्या है यह पूछा है, तो यहाँ पर विकल्प दे रखे हैं चार। पहला है परना धन ना, दूसरा है पर धन नाना, फिर तीसरा पराना धन ना, फिर चौथा पर नान धन आ। तो इसमें सही विकल्प जो आपके होगा पर नाना, पर धन नाना, ठीक है, नंबर सेकंड। फिर है ग। अनुकरण शब्द में उपसर्ग है, यहाँ पर शब्द है अनुकरण, ठीक है। इसमें शब्द में उपसर्ग क्या है, पहला है अ, दूसरा है अनु, तीसरा है करण, चौथा है अन। तो इसमें सही उत्तर जो आपके होगा अनु, इसमें उपसर्ग क्या है अनु, ठीक है, यह आपके पूरे हो गए। उसके बाद में है अगला प्रश्न है आपके नंबर 2। निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग तथा मूल शब्द अलग अलग कीजिए। यह जो शब्द दे रखे हैं इसमें से आपको उपसर्ग और मूल शब्द अलग करना है, ठीक है। गैर सरकारी, पहला शब्द है गैर सरकारी, इसमें उपसर्ग है गैर, क्या है गैर, गैर जो है उर्दू का उपसर्ग है। फिर है इसमें मूल शब्द है सरकारी, फिर है आपके अत्यंत, अत्यंत में आपके उपसर्ग जो है अति और मूल शब्द है अंत, ठीक है। उसके बाद में है आपके अवगुण, क्या है शब्द अवगुण, अवगुण में उपसर्ग जो है आपके अव और मूल शब्द क्या है गुण, अव गुण। फिर है ग, क्या शब्द है कुपुत्र, कुपुत्र में उपसर्ग जो है आपके कु, मूल शब्द है पुत्र, कु का अर्थ होता है बुरा। सप्रेम, अगला शब्द जो है आपके सप्रेम, सप्रेम में उपसर्ग आपके है स, मूल शब्द है प्रेम, ठीक है। फिर है उपनाम, उपनाम में उपसर्ग है उप, मूल शब्द है नाम। फिर है कमजोर, शब्द क्या है कमजोर, में उपसर्ग है कम, मूल शब्द है जोर। फिर है लास्ट जो है लाजवाब, लाजवाब, लाजवाब पे उपसर्ग है ला, मूल शब्द है जवाब, ठीक है। यह भी आपके पूरा हो गया। उसके बाद में है आपके नंबर 3। निम्नलिखित उपसर्गों से तीन तीन शब्द बनाइए। यहाँ पर उपसर्ग दे रखे हैं, इन उपसर्ग से तीन तीन शब्द बनाने, यहाँ पर मैंने शब्द लिख रखे हैं जो कि पहला उपसर्ग है अनु, क्या है अनु, अनु उपसर्ग से शब्द बनाए अनुगमन अनुकरण अनुरूप, क्या है अनुगमन अनुकरण
अनुरूप, अनु का अर्थ होता है पीछे। फिर उप, क्या है उप, अगला शब्द है आपके उप का अर्थ होता है, यहाँ पर उप उपसर्ग जिसका अर्थ होता है छोटा, निकट या सम्मान। तो यहाँ पर तीन शब्द बनाए गए हैं, उपनाम, उपमंत्री, उपवन। ठीक है, अगला है आपके अध, कौन सा उपसर्ग है अध, अध उपसर्ग का अर्थ होता है यानी कि आधा, आपको भी पता है अध तो कैसे बोलते हैं, अधमरा, अध पका यानी आधा पका हुआ, अध कच्चा यानी कि आधा कच्चा। तो यह जो उपसर्ग से तीन तीन शब्द बनाए गए। फिर है परा, क्या है परा, परा का अर्थ होता है, परा जो शब्द है उपसर्ग है, क्या है शब्दांश है, शब्द का शब्दांश है यानी कि विपरीत है, पीछे है, परा का अर्थ होता है, जैसे कि पराक्रम, पराजय, पराभव। फिर है छ, उपसर्ग है छ, छह उपसर्ग से भी तीन शब्द यहाँ पर बनाए। तीसरा है छह माई, छह मासा, छह, छह का मतलब तो आपको भी पता है छह होता है, छह महीने, छह माही, छह मासा, छक्का। फिर है बद, बदनाम, बद मजा, बद किस्मत, बद का अर्थ होता है बुरा, बद उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा, जैसे कि बदनाम, बद मजा। फिर ती, ती का अर्थ होता है तीन, तीन गुना, तिकुना, तिकोना, तिमाही, कम, कम का अर्थ आपको पता है कम खर्च, कम अकल, कम जोर। उसके बाद में यहाँ पे मैंने निर उपसर्ग किया है, क्या किया है निर उपसर्ग, निर उपसर्ग निर्भय, निर्मल, निर्जीव। निर उपसर्ग यहाँ पे निर या निर का अर्थ होता है रहित, यानी कि निर्भय, यानी कि बिना भय के। फिर है ला, कौन सा उपसर्ग है ला, लापरवाह, लावारिस, लाजवाब। ला उपसर्ग का अर्थ होता है बिना, क्या होता है बिना। उसके बाद में है निम्नलिखित शब्दों में उचित उपसर्ग लगाकर शब्द, यहाँ पर जो शब्द दिए गए इसमें आपको उपसर्ग लगाकर लिखना है, यानी कि उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाना है। यहाँ पर उपसर्ग है साध, तो आप क्या लिखेंगे, मैंने प्र उपसर्ग लगाया है। ठीक है, फिर है उक्ति, यहाँ पर उक्ति शब्द के आगे आपको उपसर्ग लगाना है, अति युक्ति। फिर है रस, नीरस, कौन सा उपसर्ग लगाया नी, जय, परा, मैंने लगाया परा उपसर्ग, परा जय। फिर है भास, आ उपसर्ग, आभास, मार्ग, कु, कुमार्ग, कु का अर्थ होता है बुरा। फिर है जीव, क्या है जीव, स, जीव। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है समझ, ठीक है, और उपसर्ग लगाया है ना, ना समझ। ठीक है, यह आपको कॉपी में करने हैं, उसके बाद में आपके प्रश्न, यहाँ पर दो प्रश्न दे रखे हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। पहला प्रश्न जो है आपके, उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग वह शब्दांश है, शब्दांश या अव्यय है जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला दे या उसका अर्थ ही बदल दे, वे उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, आपको यही उत्तर लिखना है, उपसर्ग वह शब्दांश है या अव्यय है जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला दे या उसका अर्थ ही बदल दे, वे उपसर्ग कहलाते हैं। उसके बाद में आपके अगला प्रश्न है, संस्कृत, हिंदी और उर्दू के तीन तीन उपसर्ग लिखकर इनके तीन तीन उदाहरण भी दीजिए। इसमें संस्कृत, हिंदी और उर्दू,
इन तीनों के उपसर्ग लिखने हैं और साथ में उन तीनों के तीन और उनके तीन तीन उदाहरण भी देने हैं। तो यहाँ पर है, पहला है संस्कृत, संस्कृत के उपसर्ग। यहाँ पर उपसर्ग है उसका अर्थ और उदाहरण। यहाँ पर अप क्या है, अप संस्कृत का उपसर्ग है। अप, अप का अर्थ होता है बुरा, अभाव या हीनता। तो यहाँ पर तीन उदाहरण दे रखे हैं अप उपसर्ग के, अपमान, अपशब्द और अपकार। ठीक है, उसके बाद में है संस्कृत का अगला दूसरे नंबर वाला उपसर्ग अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे, समानता या कम। अनु, अनुचर, अनुकरण, अनुरूप। फिर है संस्कृत का तीसरा उपसर्ग अति का अर्थ होता है अधिक। अतिकाल, अत्याचार और अतिक्रमण, यहाँ पे भी तीन उदाहरण दिए। ठीक है, उसके बाद में हिंदी के उपसर्ग। यहाँ पे प्रश्न में पूछा है संस्कृत, हिंदी और उर्दू के तीन तीन उपसर्ग लिखने। अब है हिंदी के उपसर्ग अ, जिसका अर्थ होता है अभाव या नहीं। तो उदाहरण है अचेत, अमूल्य, अछूता। फिर है कु, जिसका अर्थ होता है बुरा, कुपुत्र, कुसंग, कुढंग। ठीक है, यह इनके तीन तीन उदाहरण है। फिर है सु, सु का अर्थ होता है अच्छा, सुफल, सुजान, सुडौल। फिर है उर्दू के उपसर्ग, क्या है उर्दू के उपसर्ग, उसके भी तीन उपसर्ग लिखने और तीन तीन उदाहरण देने। उर्दू के उपसर्ग पहला है ला, जिसका अर्थ होता है बिना, लापरवाह, लाजवाब, लापता। फिर है दूसरा बद, यानी कि बुरा, बदसूरत, बदनाम, बद दिमाग। फिर है कम, यानी कि थोड़ा, कमज़ोर, कम उम्र, कम दिमाग। तो यह जो हिंदी, संस्कृत, हिंदी और उर्दू के तीनों के तीन तीन उपसर्ग लिखे हैं और साथ में इन तीनों के तीन तीन उदाहरण भी दिए। ठीक है, यह आपको कॉपी में करने हैं दोनों ही प्रश्न और साथ में ही यह उपसर्ग आपको याद भी करने हैं, प्रश्न और उत्तर आपको याद करने हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों।